हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग जो है एक और स्टॉक को देखने वाले हैं, और वो भी जो है आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही है। हम लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, किस लेवल पर ट्रेड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, किस लॉजिक के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो में एक एक करके सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सारी जानकारी हो, लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लॉजिक भी आप लोग अगर समझ लीजिएगा तो फिर आगे आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में खुद भी काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट जो इस चैनल पर डालते रहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब जो है सबसे पहले स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक है आपको इंडसइंड बैंक, काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकआउट हुआ 1050 के लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर जो है इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ। मोमेंटम होने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला, और फिर जो है आपको अप ट्रेंड में गया, और फिर लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे आपको एक पुल बैक दिख रहा है। पुल बैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपको एक मेजर मोमेंटम हो चुका है, तो यहाँ पे जो है एक आपको कूल ऑफ पीरियड चल रहा है या रिट्रेसमेंट आपको लेक चल रहा है। इसमें हम लोग को एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग चलते हैं और इस चार्ट को अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है एक चैनल पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। अगर इस लेवल पे हम लोग बात करें तो कुछ इस लेवल पे हम लोगों को जो है एक ट्रेड जो है आपको रेंज बाउंड यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक जो है आपको इस लेवल पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, 1180 के लेवल पे स्टॉक जो है आपको यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये लेवल जो है आपको ऑलरेडी 4 to 5 टाइम टेस्ट हो चुका है। नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ये एक रिट्रेसमेंट लेग है। साथ ही साथ नीचे से आपको एक डायनेमिक सपोर्ट जो है क्लियरली मूविंग एवरेज का आ रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे जितनी बार भी ये स्टॉक आया है यहाँ से आपको बाउंस किया है। इस लेवल पे भी आपको यहाँ पे बाउंस हुआ था, एक बार फिर से ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से हम लोग जो है बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाउंस अगर यहाँ से एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है 1180 के लेवल के ऊपर। एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे पहले बनने दीजिए। एक बार अगर ये कैंडल आपको बनता है, मैं आपको ड्राइंग क्लियर करके फिर से लेवल बता देता हूं। एक बार अगर आपको ऑलमोस्ट ये 1185 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है, 1184, 1185, 1186 इस लेवल पे अगर कहीं पे भी आपको कैंडल क्लोज होता है, तो आपको जो है यहां पे ट्रेड को इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस यहां पे होने वाला है 1140, तो 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका जो है 80 to 90 पॉइंट का होगा, जो आपका पहला टारगेट होगा। 80 पॉइंट एक बार अचीव हो जाए, 1260, 1270 का लेवल अगर एक बार आपको अचीव हो जाए, तो वहां पे जो है आप अपना जो है 60 to 70% पोजीशन को कवर कर लीजिए। रेस्ट पोजीशन को आप लोग जो है होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। स्टॉप लॉस जो है आप लोग ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और प्रॉफिट के चक्कर में, और वहां से स्टॉक रिवर्स हो जाता है, फिर लॉस में आप अपना पोजीशन निकालते हैं। तो कभी भी ऐसे गलती नहीं करना। अगर मार्केट प्रॉफिट देता है तो फिर जो है हमें प्रॉफिट लेना चाहिए। तो लेवल्स आपको क्लियर हो गया होगा, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। जो ये जो आपको रिट्रेसमेंट लेग में है, एक बार यहाँ से अगर आपको ऊपर निकलता है 1185 के ऊपर जो है अगर ये क्लोज देता है, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना है। 1140 आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट आपको मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, तो आपको वहां से भी अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।